अगर किसी को मिर्गी आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? नहीं, जूता तो बिल्कुल नहीं सुंघाना चाहिए। लेकिन मिर्गी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मरीज को जूता सुंघाने की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि सालों से हमने लोगों को मिर्गी का इलाज इसी तरह से करते देखा या सुना है। कुछ ऐसा ही अनुभव जब वाराणसी के न्यूरोलॉजिस्ट विजय नाथ मिश्रा को हुआ तो उनके करियर ने एक नई दिशा पकड़ ली। और एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने आती है वो तब आती है जब आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसको मिर्गी आ रहा है लेकिन उसको लोग दवा न दे करके जूता सुंघाते हैं, कोई उसको आग से जला देता है, कोई दाग देता है, कोई उसको तरह तरह की यातनाएं लोग देते रहते हैं लेकिन उसको दवा नहीं देते थे। विजयनाथ मिश्रा पिछले 25 सालों से मिर्गी के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और अब तक 12,000 से भी ज्यादा कैंप लगाकर 70,000 से अधिक मरीजों का इलाज कर चुके हैं। उन्होंने इन मरीजों का सिर्फ इलाज ही नहीं किया बल्कि उन्हें बीमारी से मुक्त करके फिर से आम जिंदगी जीने के काबिल भी बनाया। और इसी काम की बदौलत आज विजयनाथ मिश्रा पूरे भारत में मिर्गी मैन के नाम से जाने जाते हैं। लोग मिर्गी के मरीजों में खास करके लड़कियों में लोग छोड़ देते थे, अपने उनके घर वापस भेज देते थे, भी उसका जीवन कैसा होता आप सबको पता है। तो इसके लिए बहुत प्रयास उन्होंने किया कि मिर्गी की पीड़ित जो लड़कियां हैं उनको एक नया जीवन मिले। मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विजयनाथ ने इस विषय पर एक नया दिन नाम से फिल्म भी बनाई है जिसकी सराहना भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुई। तो धीरे धीरे करके पिछले 25-30 वर्षों में ये एक हम लोग का मिशन बन गया है कि मिर्गी का मरीज कहीं भी हो पूरे देश में या विदेश में भी, तो ये संदेश हम लोग को देना है कि पहला, मिर्गी के मरीज का इलाज संभव है, दूसरा, मिर्गी का मरीज का इलाज दवाइयों से होता है न कि अंधविश्वास से, और तीसरा जो सबसे जरूरी है, हम सब लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मिर्गी को अंधविश्वास से न जुड़ें।